हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्वनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पाइथन के इस बिगनर ट्यूटोरियल में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम है होटल मैनेजमेंट सिस्टम। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते करते हम लोगों ने 5 वीडियो पहले कंप्लीट कर लिया है और ये मेरा इसमें 6th वीडियो है। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले उन 5 वीडियो को आप पूरी तरीके से देख लें, तब इसको आप देखें, क्योंकि इस वीडियो की मैं कोडिंग वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं जहां मैंने 5th वीडियो में लास्ट किया था। ठीक है, सारे वीडियो आप एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट वीडियो है जिसमें मैं प्रोजेक्ट मैं पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना पाइचम ओपन कर लेता हूं और आपको ये बता देता हूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या बनाया है। तो चलिए रन करके हम चेक करते हैं इसको और देखते हैं कि हमने क्या बनाया है। तो हम यहाँ पे आईडी डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं हम और तुम, और मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। तो हम लोग लास्ट में बिल जनरेशन पे काम कर रहे थे। बिल जनरेशन में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बना ली थी, मतलब यहाँ पे हम कस्टमर का नाम इनपुट कर सकते हैं, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम उसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं। वैलिडेशन भी है इसमें, देखिए मैं इसका कैरेक्टर टाइप कर रहा हूँ, नहीं होगा, ये सारा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक, इसके बाद मैं यहाँ से कोई भी आइटम सेलेक्ट करता हूँ, ये वही आइटम है जो मैंने डेटाबेस में ऐड किया है। सपोज़ कोई ने किसी ने टी लिया तो टी की प्राइस क्या है वो यहाँ पर आ गई जो मैंने डेटाबेस से उठ के आ रही है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसकी कितनी क्वान्टिटी कस्टमर डिमांड करता है, सपोज़ उसने 3 क्वान्टिटी में मंगाई तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जा रही है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ जिससे ये सारी वैल्यू को मैं एक टेबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ। वो टेबल भी मैंने 5th वीडियो में बनाया था। तो चलिए पहले एक बटन बनाते हैं और उस बटन के क्लिक पे ये सारे डेटा को स्टोर करते हैं। तो पहला काम तो ये है मेरा। अच्छा, तो चलिए स्टोर कर लेते हैं और इसके लिए हम अपने पाइचम को ओपन करके और जहाँ प्रोजेक्ट था मेरा वहाँ चलते हैं। और इसमें सबसे पहले हम आते हैं जहाँ मैंने बनाया था, ये डेटा लेके आ रहे थे हम, मेरा था, इसका नाम था बिल विंडो, शायद मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, बिल विंडो, बिल विंडो में हम लोगों ने सब कुछ लिखा था। अब इसी बिल विंडो में मुझे एक बटन बनाना है पहले। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे नीचे चलता हूँ और नीचे चल के मैं एक बटन बना देता हूँ कॉस्ट के बाद। ठीक है, तो बटन बनाने के लिए मान लीजिए मैं यहीं पे चलता हूँ और बटन बनाने के लिए मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ बिल बटन। ठीक है, बटन का नाम मैंने बिल बटन रख दिया, इज इक्वल टू लिखता हूँ, और आपको बटन नाम की क्लास होती है, बटन लिखिए। बटन कहाँ बनेगा, तो ताज पे बनेगा। और इस पर टेक्स्ट क्या लिखा रहे, तो टेक्स्ट मैं लिख देता हूँ, इस पर लिखा रहे सेव बिल, बिल को सेव करना है। ठीक, इसकी मैं वेट दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ, फोरग्राउंड देता हूँ, वेट देता हूँ मान लीजिए मैं 20 कॉमा, देखिए यहाँ कॉमा रहेगा उसके बाद तब देना विड्थ। ठीक है, फिर मैं हाइट भी देता हूँ, इसको हाइट देता हूँ 2 का। ठीक, और बीडी भी देता हूँ, थोड़ा सा बॉर्डर बन जाएगा इसमें, बीडी देता हूँ इसमें 10 का। ठीक है, एफजी दे देता हूँ, इसको एफजी देता हूँ, फोरग्राउंड कलर इसका मान लीजिए मैं रेड देता हूँ, फोरग्राउंड में हाँ रेड देता हूँ इसमें, और बैकग्राउंड भी देता हूँ मैं bg is equal to येलो दे देता हूँ। ठीक है, और इस पर कमांड भी दे देता हूँ। ठीक है, जिस पे मैं जो टाइप करूँगा वो मतलब उसमें मुझे एक फंक्शन बनाना होगा, कमांड command कमांड इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं इसका नाम दे देता हूँ ये सेव बिल रहे। ठीक है, स्मॉल में लिखता हूँ सेव और बिल। ठीक है, अब मुझे इस नाम से एक मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं बना लूँगा, उससे पहले मुझे पहले इसको डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले कराने के लिए आपको पता है कि मुझे ये काम करना होता है, मैं लिखूँगा बिल बटन
डॉट और जो मैंने कॉपी किया है पेस्ट कर लेता हूँ। ये रो 9 में मेरा हो जाएगा, 9th रो में जाएगा। कॉलम मैं वही रहने देता हूँ फिलहाल, अभी वैसे ही रहने देता हूँ एज इट इज़, देखता हूँ कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब मुझे वो जो बटन है सेव बिल, वो मुझे इसके लिए मेथड बनाना होगा। तो मैं काम करता हूँ इसी के नीचे, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं कमेंट डाल के लिख देता हूँ कि मैं इसमें सेव बिल का काम करूँगा, ठीक है। और साथ साथ मैं फंक्शन एक बना देता हूँ डफ, अच्छा कंट्रोल जेड, सेव बिल, ठीक है। और फिलहाल मैं इसे पास लिख के पहले चेक कर लेता हूँ कि मेरा क्या हुआ है, अभी आउटपुट कैसा दिख रहा है वहाँ पे बटन का, ठीक है। रन करके चेक करता हूँ, हम तुम, ठीक है, बिल जनरेशन करता हूँ। देखिए मेरा सेव बिल बन गया है। अब मुझे इस बटन पर क्लिक करते ही मेरा ये वैल्यू सेव हो जाना चाहिए, ये मैं काम करने जा रहा हूँ अब। तो इस काम को करने के लिए मुझे यहाँ पे पहले इसके अंदर क्या करना होगा, ये जितने भी मैंने यहाँ पे एंट्रीज बनाई हैं या कम्बो बॉक्स बनाए हैं, उन सबकी वैल्यू कुछ पहले गेट करनी होगी। गेट करने के बाद मुझे इंसर्ट की क्वेरी चलानी होगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक। सबसे पहले मैं डेट टाइम मैंने जो बनाया था तो डेट को लेके आता, मान ली मैंने डी टी नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं डेट टाइम वैर जो मैंने बनाया था डॉट गेट कर लेता हूँ। इससे मुझे डेट टाइम की वैल्यू पहले मिल जाए डी टी नाम के वैल्यू के अंदर। डेट टाइम के बाद फिर मेरा, मैं आपको एक बार दिखा दूँ मैंने क्या क्या बनाया है यहाँ पे। डेट टाइम, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर ये आइटम सेलेक्ट करने का, रेट, क्वांटिटी, कॉस्ट, इन सारी वैल्यू को पहले मुझे गेट करना होगा। तो वही काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं मान लीजिए कस्टमर को, कस्टमर नेम ले लेता हूँ, ठीक है, कस्ट नेम ले लेता हूँ, चलिए। और इसमें हो जाएगा मेरा कस्टमर नेम सी, मैंने लिखा था सी यू एस कस्टमर नेम वेयर डॉट गेट, ठीक है। इसके बाद कस्टमर नेम के बाद हमारा मोबाइल ले लेता हूँ मैं, मोबाइल, मोबाइल इज इक्वल टू मेरा मोबाइल वेयर बना था शायद, ठीक है, मोबाइल वेयर डॉट गेट। बस मुझे कुछ करना नहीं है, सिर्फ गेट करना है क्योंकि सारी वैल्यू मुझे वहाँ पे मिल जा रही थी। फिर आइटम नेम, आइटम नेम इज इक्वल टू आइटम नेम वेयर, आइटम नेम, अच्छा हाँ, आइटम नेम में आइटम नेम नाम के ग्लोबल वेरिएबल से गेट कर रहा था, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ क्या है वो, आइटम नेम, आइटम अंडरस्कोर नेम कर देता हूँ इसको, दोनों वेरिएबल, दोनों नेम एक जैसे ना दिखे आपको। आइटम अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ आइटम नेम, आइटम नेम, ये मुझे मिलना चाहिए यहाँ से, कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि ये मैंने ऊपर ग्लोबल वेरिएबल में डिक्लेयर किया था, दिखाया था कहाँ से मुझे मिलना ये चीज़ आपको। मुझे आइटम नेम, देखिए ये मेरा वेरिएबल है आइटम नेम, ठीक है, ये आइटम नेम की वैल्यू मुझे ग्लोबली मैंने यहाँ पे सेट कर रखी थी, ठीक है। और इसी के साथ साथ मुझे इसकी कॉस्ट भी मिलेगी, तो वो आइटम का रेट जो था वो वी नाम के वेरिएबल में मुझे मिल रहा था, तो ये मैं डायरेक्टली यहीं से यूज़ कर लूँगा क्योंकि वैल्यू मुझे गेट करके इंसर्ट करनी है बस इस बार। उसके बाद मेरे पास आइटम का रेट भी होगा, तो आइटम, आइटम रेट इज इक्वल टू मैं वी लिख देता हूँ क्योंकि वी नाम के वेरिएबल में सिर्फ स्मॉल वी था केवल मेरा, ठीक है। इसके बाद मेरा आइटम की क्वांटिटी थी, तो आइटम क्यू क्यू टी वाई लिख लेता हूँ वेरिएबल का नाम, और वेरिएबल मैंने बनाया था क्यू टी वाई वेरिएबल डॉट गेट, ठीक है। अच्छा, आइटम क्वांटिटी भी आ गई। अब मेरे पास कॉस्ट था, कॉस्ट में मैं इसको टोटल कॉस्ट था मेरा, तो टोटल वेरिएबल बना लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ कॉस्ट, मैंने वो बनाया था एंट्री डॉट गेट, ठीक है, गेट से कॉस्ट भी आ जाएगी। अब मुझे कुछ करना नहीं है, देखिए मेरे पास टोटल कितने आइटम थे पहले गिन लीजिए,
वो 1 2 3 4 5 6 7 सात थे यहाँ पे, मुझे सात लिखना चाहिए था, मैंने सात तो लिखे हैं वैसे। देखिए ऊपर से आइए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गए। अब मुझे क्या करना है, पहले डेटाबेस को कनेक्ट करना होगा। डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए मैं db config फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। db config को कॉल कर दिया, इससे डेटाबेस की कनेक्टिविटी हो गई। अब मुझे क्या करना है, क्वेरी लिखना है। तो INSQU क्वेरी लिख देता हूँ, INSQU क्वेरी है, ठीक है, इंसर्ट की क्वेरी। अब मुझे इसके अंदर डबल इनवर्टेड कॉमा में इन सभी डेटा को पास करना है। तो INS इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है मेरा बिल, ठीक है, बिल। फिर उसमें जो जो मैंने कॉलम्स बनाए हैं ये भी मैं दिखा दूँ आपको एक बार। देखिए ये मेरा बिल नाम का टेबल है, इसमें मैंने ID जो कि ऑटो इंक्रीमेंट है, डेट टाइम कस्टमर नेम कॉन्टैक्ट नंबर आइटम नेम इन सारी का नाम मुझे लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इंसर्ट की क्वेरी हम पहले भी कर चुके हैं, ऐड आइटम के समय वही काम मुझे यहाँ करना है, डेट टाइम इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इसका कॉलम नेम के बीच कॉमन नहीं रहेगा, डबल कॉमन नहीं रहेगा। डेट टाइम है कस्टमर, कस्टमर COMER कस्टमर अंडरस्कोर नेम कॉमा कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। और फिर क्या था, एक बार देखना पड़ेगा मुझे दोबारा। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद आइटम नेम रेट क्वांटिटी, आइटम अंडरस्कोर नेम कॉमा आइटम अंडरस्कोर क्वांटिटी के लिए मैंने QTY लिखा था, ठीक है, कॉमा आइटम अंडरस्कोर क्वांटिटी के बाद मैं एक बार चेक कर लूँ, और क्वांटिटी के बाद सीधे मुझे कॉस्ट लिखा था मैंने, ठीक है। तो मैं सीधे यहीं पे लिखता हूँ क्या, कॉस्ट 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 करने के बाद मुझे इसकी वैल्यूज़ डालनी है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे वैल्यूज़, VALUES वैल्यूज़, ठीक है, मेरी क्वेरी भी चल रही है, वैल्यूज़। फिर ब्रैकेट में मुझे लिखना है 1 2 3, सारे स्ट्रिंग हैं। तो डेट टाइम के लिए पहला, फिर कॉमा, फिर दूसरा नेम के लिए, फिर कॉमा, फिर परसेंटेज गिन लीजिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 हो गया, 5 और 6, 6 मुझे परसेंटेज लिखने हैं क्योंकि सारे के सारे मेरे स्ट्रिंग थे, ठीक। फिर मैं डबल कॉमा लगाता हूँ, और डबल कॉमा लगा के क्वेरी को बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए अब एक चीज़ प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे, क्वेरी यहीं पे ला के लिख दीजिए पहले आप, डिलीट, ठीक है, वैल्यूज़, ठीक है, हमारी क्वेरी यहाँ पे आ गई। क्वेरी लिखने के बाद अब मुझे इस क्वेरी को क्या करना है, एग्जीक्यूट करनी है। एग्जीक्यूट करने के लिए पहले आपको वैल लिखना होगा, वैल इज इक्वल टू, और सारी वैल्यू को इसके अंदर पास करने के, तो डी टी पहला डी टी है, फिर कस्ट नेम, फिर कॉमा मोबाइल कॉमा आइटम अंडरस्कोर नेम, ठीक है। ये वही चीज़ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं जैसे जैसे यूज़ करता जा रहा हूँ वो देखिए यहाँ पे वो हाईलाइट भी होता चला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आइटम रेट, उसके बाद आइटम क्वांटिटी, उसके बाद टोटल, ठीक है। ये सारी वैल्यू मैंने वैल के अंदर लेके आई। अब मुझे क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लिखना होगा माई कर्सर, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, क्वेरी, क्वेरी नहीं, मेरी क्वेरी का नाम है, मैंने INSQUE लिखा है, INSQUE,
और फिर वैल लिखना है जिसके अंदर मेरी वैल्यू स्टोर है। ठीक, ये काम होने के बाद मुझे इसको क्या कर देना है, कमिट कर, INSQU है, केवल ई नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मुझे इसको कमिट करना है परमानेंटली सेव करने के लिए, तो मुझे लिखना होगा कॉन डॉट कमिट। अच्छा, इसके साथ साथ ये मेरी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई है, तो मैं इसको मैसेज बॉक्स में इन्फॉर्मेशन भी डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो मैं मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, सो इन्फो, इसके अंदर मैं सेव डेटा ठीक लिख लेता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ बिल सेव्ड SUCCESSFULLY। ठीक है, बिल सेव्ड सक्सेसफुली, हमारा बिल हमारा सक्सेसफुली सेव हो गया। सेव होने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैंने नेम कस्टमर का लिखा, डेट टाइम, वो सब क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। ठीक, तो ब्लैंक होने के लिए मुझे पहले जो कस्टमर नेम वेर डॉट सेट कर क्या करना होगा, नल करना होगा, डॉट सेट नल। ठीक है, इसको मैं नल सेट कर देता हूँ। साथ साथ मुझे मोबाइल नंबर जो लिया था मैंने, वो भी मैं डॉट सेट जो मैंने टाइप किया था वो सब मैं नल कर दूँ। ठीक है, इसके बाद आइटम नेम वेर डॉट सेट, ये भी नल हो जाए, और जो कॉस्ट है वो भी नल हो जाए, कॉस्ट डॉट सेट क्या हो जाए, वो भी नल हो जाए। अच्छा, अब चलिए देखते हैं कि क्या होता है, मेरा डेटा सेव होता है कि नहीं, उसके बाद आगे का काम देखेंगे हम। रन करते हैं दोबारा, देखिए हम तुम, ठीक, बिल जनरेशन पे आते हैं, डेट टाइम ऑटोमेटिकली आता है, नाम मैं लिखता हूँ चलिए राम, ठीक, कॉन्टैक्ट नंबर 9956477677। ठीक है, आइटम नेम सपोज मैं मशरूम ले लेता हूँ, ठीक, क्वांटिटी मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक, सेव पे क्लिक करता हूँ। देखिए सेव होना चाहिए था लेकिन कुछ एरर आया है लग रहा है, देखते हैं कंसोल पे चले कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कंसोल पे कोई मैसेज नहीं दिया, ठीक है, तो क्या दिक्कत है, सेव बिल मैंने ऐसे ही लिखा है कि नहीं, सेव बिल ऐसे ही लिखा है मैंने, ठीक, तो स्टोर होना चाहिए था और मैसेज ही मिलना चाहिए था, डेटा सेव नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अच्छा, एक बार फिर से मैं क्रॉस चेक करता हूँ इसको, 250 ये मेरा, अच्छा एक काम करता हूँ, मेरा ये बटन काम कर रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पे पहले कस्टमर कुछ वैल्यू प्रिंट भी करवा के चेक कर लेता हूँ, प्रिंट करवा लेता हूँ केवल, कंसोल पे मुझे वैल्यू मिल जाएगी, तो डेट और कस्ट नेम को प्रिंट करवा लेता हूँ। इससे फ़ायदा क्या रहेगा, डेटाबेस में जाने से पहले मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे अगर प्रिंट होता है तो यहाँ पे गलत है, इंसर्ट इनटू बिल क्वेरी में मिस्टेक हो सकता है। तो चलिए पहले रन करके चेक करते एक बार और, तो मुझे पता चल जाएगा कहाँ प्रॉब्लम है। हम तुम बिल जनरेशन कस्टमर नेम राम, ठीक है, आइटम राइस क्वांटिटी, अभी मुझे ये दो इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं पहले क्या हुआ, और ये रीसेट भी नहीं हो रहा, यानी क्वेरी हमारी रन नहीं कर रही, ऊपर ही कुछ मेरा गड़बड़ हो रहा है, यानी मेरा ये फंक्शन ही कॉल नहीं हो रहा है, नहीं तो ये वैल्यू मुझे मिलती। अच्छा, फंक्शन कॉल नहीं होने का मतलब है क्या दिक्कत, देखता हूँ,
कमांड COMMAND कमांड तो लिखा, ओह डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, और कुछ नहीं मिस्टेक थी। चलिए रन पे क्लिक करिए दोबारा। हम तुम बेल्जियम नेशन राम कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी डाल दीजिए, पनीर ले लीजिए, क्वांटिटी ले लीजिए और सेव पे क्लिक करिए। देखिए कुछ हुआ है लेकिन अभी भी डेटा सेव नहीं हुआ है, लेकिन आइए देखते हैं यहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ। और ये कुछ प्रॉब्लम मुझे मिला है यहाँ पे, देखिए डेटा तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे, कहाँ पे एरर आया है, ये एरर आया है सेव बिल में एग्जीक्यूट करते समय कुछ आर्गुमेंट जहाँ कुछ स्ट्रिंग और नंबर का फर्क हो रहा है। देखते हैं क्या है, मैंने सारा तो परसेंटेज लिखा है, एट टाइम के लिए, कस्टमर नेम के लिए, मोबाइल के लिए है, नेम क्वांटिटी, अच्छा रेट, देखिए रेट शायद मैंने ऐसे मिस किया है, देखिए इसमें रेट मैंने नहीं लिखा है, तो क्वांटिटी के पहले हमारा आइटम का रेट भी था, ये मैंने छोड़ दिया था, आइटम अंडरस्कोर रेट, ठीक है। अब इसके लिए मुझे एक और इसमें वैल्यू पास करनी होगी परसेंटेज, तो ये एरर यहीं से आ रही थी, ठीक है परसेंट एस, ठीक। अब एक चीज़ और देखिए, ये मेरा क्वेरी बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये दो लाइन में आ जाए। इस काम को कैसे करते हैं, मान लीजिए आपको यहाँ से क्वेरी को नीचे ले जाना है, ठीक है, तो आप क्या करो, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ यहाँ पे और एक स्लैश लगा के इसको एंटर कर दो, ठीक है। अब डबल इनोटेड कॉमा लगा के यहाँ पे क्वेरी को ऑन कर दो, इससे क्या होता है कि अगर आपकी क्वेरी बहुत बड़ी हो गई है तो आप इसको दो लाइन में ऐसे लिख सकते हो, या दो से अधिक लाइन में भी आप चाहो तो लिख सकते हो। अब आप इसको रन करो, चेक करो कि क्या होता है। हम दोबारा रन करते हैं और इस बार मेरा डेटा इंसर्ट हो जाएगा, हम तुम ठीक बेल्जियम नेशन, ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा राम, ठीक कुछ भी मैं नंबर डाल देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक क्वांटिटी 4 दे दिया, ठीक देखिए मेरा बिल सेव सक्सेसफुली लिख दिया। तो मैं ओके करता हूँ और चल के देखता हूँ, तो मैं अपने बिल नाम के टेबल में को ब्राउज करता हूँ, देखिए मेरा डेटा यहाँ स्टोर हो चुका है। इस तरीके से हम जितना चाहें उतना इसमें बिल स्टोर कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि ये बिल तो स्टोर हो गया लेकिन बिल को हमको प्रिंट करना है, ठीक है, और बिल को प्रिंट करके और या फिर बिल को पहले मैंने देखना है कि मैंने स्टोर हुआ है तो कहाँ, ये मुझे डेटाबेस में तो आके देखना नहीं होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ट्री व्यू के अंदर ये सारा बिल का जो डेटा है मैं उसको पहले फेच करके ले आऊँ, ठीक, और इससे मेरा एक काम हो जाएगा कि पहले ट्री व्यू के अंदर मेरा डेटा आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक न्यू विंडो बना लेता हूँ कि यहाँ से क्लिक करने के बाद मैं एक न्यू विंडो पे चलूँ जहाँ पे मेरा यहाँ मतलब यहाँ बटन पे क्लिक करने के बाद फिर मैं यहीं पे एक बटन बना लेता हूँ प्रिंट बिल का, जिस पर क्लिक करूँ तो मैं सारे बिल मैं एक साथ देख सकूँ, उनको प्रिंट कर सकूँ। तो पहले तो मैं चलता हूँ लॉग आउट और बैक बटन जहाँ लिखा उसी के नीचे चलता हूँ और एक बटन बना देता हूँ, ठीक है। तो लॉग आउट और मेरा बटन जो लिखा हुआ है इसके ऊपर ही लिखा है, तो लॉग आउट वाला कहाँ के क्या है कॉस्ट, मैं उसी के नीचे बना देता हूँ तो मुझे फ़ायदा रहेगा। मैं यहाँ आके बैक बटन जहाँ लिखा है मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल सी करके मैं इसको इसके नीचे लाके एक पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं प्रिंट बटन नाम देता हूँ, ठीक है प्रिंट बटन, ठीक ये प्रिंट बटन है, प्रिंट बटन, ये रो 5 कर देता हूँ मैं, बाकी चीज़ें यहाँ पे टेक्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ
प्रिंट बिल, ठीक है, ये एक पेज पे ले जाएगा जहाँ से हम बिल को प्रिंट करने का कॉन्सेप्ट पूरा करेंगे, ठीक है। अब इस बटन के क्लिक पे मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, प्रिंट बिल नाम से, ठीक है। अब प्रिंट बिल नाम का मैं फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अब प्रिंट बिल नाम के फंक्शन के लिए मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और इसको ला के ऊपर कहीं पे भी चल के लिख सकता हूँ या नीचे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सेव बिल के बाद ही मैं नीचे लिख देता हूँ, सबसे सही रहेगा मेरे लिए, ठीक है। मैं यहीं पे काम करता हूँ, कंट्रोल वी, और इसके अंदर मैं कोडिंग करूँगा इसका, यानी यहाँ लिखता हूँ मैं डफ और कंट्रोल वी। अच्छा, प्रिंट बिल पे होना चाहिए क्या? देखिए, पहले क्या होना चाहिए, पहले तो मुझे स्क्रीन को क्लियर करना होगा, ठीक है। क्लियर अंडरस्कोर स्क्रीन फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, मेन हेडिंग को कॉल करना होता है, ठीक है, ये मैंने हमेशा ऐसे ही किया है, तो मेन हेडिंग को कॉल करना होता है। उसके बाद मैं जितने बिल डिटेल्स हैं वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं काम करता हूँ कि जो मेरा बिल डिटेल है, जैसे कि ऐड आइटम पे इंसर्ट आइटम लिखा था ना, तो मैं ये वाला काम कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, और मैं यहाँ लिख के इसको कंट्रोल भी लिख देता हूँ, ऐड आइटम की जगह मैं इसको मान लीजिए प्रिंट आइटम कर देता हूँ, ठीक है। एक लेबल बना देता हूँ जहाँ प्रिंट आइटम, ठीक है, प्रिंट आइटम, ठीक है। अब आइए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिल डिटेल्स, ठीक है। अब आप इसको रन करके पहले इतना चेक करिए, फिर देखते हैं क्या होता है। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगता होगा, मैं बीच बीच में रन करवाता हूँ, तो हम तुम, ठीक। चलिए रन करते हैं बिल जनरेशन विंडो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं प्रिंट बिल बन गया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। मैं प्रिंट बिल पे क्लिक करूँ तो मुझे एक नए पेज पे चलना है और जहाँ बिल डिटेल लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, यहीं पे एक लॉगआउट और बैक का बटन भी लगा देता हूँ और यहाँ पे पहले ट्री व्यू में डेटा को लेके आने की कोशिश करता हूँ, ठीक। तो दो काम करना है मुझे, लॉगआउट और बैक बटन बनाना है, यहीं अगल बगल बना देता हूँ। तो चलिए, लॉगआउट और बैक बटन बनाने के लिए मैं काम कर लेता हूँ, मैं दोनों लॉगआउट और बैक बटन का कोडिंग मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। तो मैं नीचे आके उन दोनों कोडिंग को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि दोबारा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी में मैंने लिखा है ऐड आइटम पे नहीं लिखा था, चलिए ये लॉगआउट बटन और बैक बटन को मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, और अपने इस पेज पे पहले लगा लेता हूँ। मुझे लगाना है जो प्रिंट बिल वाले पे, ठीक। तो मैं यहाँ आता हूँ और कंट्रोल भी कर देता हूँ। अब ये दिखेगा कहाँ, ये मुझे क्वेश्चन है, तो मैं इसको अभी भी क्या करता हूँ, इसको रो वन ही रखता हूँ, ठीक है, इसको रो वन कर देता हूँ, इसको कॉलम जीरो कर देता हूँ, ताकि ये इसके लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसको भी रो वन कर देता हूँ और कॉलम इसको मैं थ्री कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टू में मेरा बिल बटन बिल डिटेल लिखा है, जीरो में ये आ जाएगा, यानी अगल बगल बन जाएगा बटन, तो देखने में सुंदर लगेगा, ठीक है। चलिए अब इसको भी रन करके चेक कर लीजिए, आपका लॉगआउट बटन भी बन गया और हम तुम बिल जनरेशन प्रिंट बिल, थोड़ा सा ये ओवरलैप कर रहा है, यानी बैक को थोड़ा सा मुझे इधर ले जाना होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या कुछ गड़बड़ी है उसमें, हाँ, इसमें कॉलम स्पैन टू लिखा है, इसलिए ये मुझे काम करना पड़ेगा, इसको तब थ्री में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि तब स्पैनिंग
का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। चलिए ये अभी सही हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक ट्री व्यू बनाना है। ठीक है, ट्री व्यू बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ट्री व्यू की कोडिंग मैंने पहले लिख रखी है, मैं उसी को थोड़ा सा यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। और एक छोटी सी समस्या थी ट्री व्यू में, वो भी मैं बता देता हूँ, शायद मैंने कहीं गलत लिखा था। वो है, हाँ देखिए थोड़ा सा और ऊपर चलना पड़ेगा मुझे, ट्री व्यू की कोडिंग मैंने यहाँ लिखी है। मैं यही एक ट्री व्यू फिर से बनाता हूँ, कंट्रोल सी इसी के नीचे बना देता हूँ और इसको मैं टी वी वन कर देता हूँ। याद रखिएगा टी वी जो है वो आइटम को डिस्प्ले करने के लिए, टी वी वन बिल के लिए कर देता हूँ मैं इसको। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि मैंने शायद पहले वीडियो में कुछ गलत कर दिया था। गलत करने का मतलब वो मैं बताता हूँ क्या। पहले तो आप इन दोनों के बीच में स्पेस मत दीजिएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में स्पेस आपको नहीं देना है, ठीक है। और साथ साथ आपको एक काम और करना है कि यहाँ पे पहले क्या है, डेटा है, ठीक है, तो मैं इसको डेट लिख देता हूँ, डेटा है, ठीक। उसके बाद क्या है, नेम आए कस्टमर का, तो आप कुछ भी यहाँ से लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नेम आए। फिर क्या है, नेम बिल पे मुझे जो जो चाहिए वो मुझे ध्यान रखना होगा और उसी के हिसाब से मैं डेट आए, नेम आए और टाइप है। सपोज मैं कुछ कॉलम्स बनाने चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने अभी कॉमा नहीं दिया है, पिछले वीडियो मैंने कॉमा दिया था, वो मैं अभी प्रॉब्लम बता देता हूँ वहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती थी। और रेट आए, ये सारे सिंगल कॉम में रहेंगे, ये ध्यान रखना आपको सिंगल कॉम में रहना है। और कॉमा 1 2 3 4 5 कॉलम लेके चलता हूँ मैं मान लीजिए, और टोटल ऐसा कुछ भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये एज इट इज़। बस क्या है कि आपके चीज़ों को वहाँ पे कितने कॉलम दिखेंगे ये डिस्प्ले करने के लिए है। चलिए अब आते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, पहले रन करके आपको जो प्रॉब्लम दिखाते हैं, जो रन कर रहा था मेरा, चलिए रन कर रहा है। यहाँ पर आते हैं और बैक बटन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम डेटा को डिस्प्ले कर रहे थे तो ट्री व्यू में प्रॉब्लम क्या थी, देखिए यहाँ पे मेरे पास 1, 2 और 3 के अलावा एक्स्ट्रा कॉलम आ रहा था, उस एक्स्ट्रा कॉलम को मुझे रिमूव करना था। वो एक्स्ट्रा कॉलम मैंने एक गलती जो यहाँ पे कर दी थी ट्री व्यू में, यहाँ मैंने जो कॉमा लगा दिया था वो था, क्योंकि ये की वैल्यू पेयर के फॉर्म में देता है डेटा, तो ये पहला की है, बाकी इसकी वैल्यूज़ हैं, तो पहले की और वैल्यू के बीच में कोई कॉमा नहीं होना है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, अब अगर आप दोबारा इसको रन कराएंगे तो उसके बीच में से स्पेस ख़त्म हो चुका रहेगा। अच्छा, एक और ट्री व्यू में अभी प्रॉब्लम आई थी मेरी, वो मैं बता देता हूँ लग गया। पहले ट्री व्यू की कोडिंग पे चलते हैं हम लोग। ट्री व्यू मैंने जहाँ बनाया था, हाँ ट्री व्यू मैंने यहाँ बनाया था, ठीक है, ट्री व्यू में मैंने स्टाइलिंग करते समय यहाँ स्टाइल मेरा काम नहीं कर रहा था, ये मेरा इसलिए नहीं काम कर रहा था क्योंकि स्पेलिंग मैंने मिस्टेक करी थी, तो CLAM है, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की थी, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों चीज़ें इस बार सही हो जाएंगी। अच्छा, जाहिर सी बात है जब मैंने थोड़ा ट्री व्यू को चेंज किया है तो मुझे ग्रिड में भी जो यहाँ का कॉलम है वो भी मुझे थोड़ा चेंज करना होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक आएगा, ट्रिव्यू मिस्टेक का मतलब इधर उधर ट्रिव्यू हो जाएगा, तो उसको भी मैं अभी सही कर दूंगा लगे हाथ। चलिए पहले रन करके चेक करते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, ट्रिव्यू ये वाला कॉपी कर लेता हूँ पूरा एज इट इज़, ठीक है। और कॉपी करने के बाद इसको मैं कॉपी किया और अपने बिल वाले में इसको पेस्ट कर देता हूँ। पहले बिल वाले का मतलब है कि जो भी मैं बिल जनरेट कर रहा हूँ वहाँ पहले बिल को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐड आइटम, हाँ ये मेरा बिल वाला काम हो रहा है, प्रिंट बिल वाला। यहाँ पे मैं आके ट्री व्यू को पेस्ट करता हूँ कंट्रोल पे, ठीक है। अब मेरे ट्री व्यू TV1 होगा, ठीक है, और सॉरी 1 होगा, स्टाइल एज इट इज़ रहने दीजिए, स्क्रॉल बार भी रहने दीजिए, TV1.yp होगा, 1 होगा,
यहाँ पे टीवी वन डॉट कॉन्फिगर, टीवी वन डॉट हेडिंग, वन डॉट हेडिंग, वन डॉट हेडिंग। अच्छा, अब हेडिंग में होगा क्या ये मुझे चेक करना है। तो हेडिंग में मेरे जीरो हेडिंग में मैं वहाँ पे पहले डेट टाइम दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं ग्रिड भी इसका सेट कर देता हूँ। देखिए मैंने कुछ कॉपी किया है ना, तो डेट और टाइम दिखे, डेट ऑब्लिक टाइम दिखे, ठीक। उसके बाद मुझे क्या दिखे, कस्टमर का नेम दिखे, ठीक। उसके बाद मुझे कस्टमर का मोबाइल नंबर दिखे, ठीक है। इसके बाद मैं काम करता हूँ, और भी मुझे जो चीज़ दिखनी है, पांच मैंने लिखा है वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। कंट्रोल भी कर लेता हूँ, और थ्री थ्री पे मैं जो आइटम उसने लिया है वो दिख जाए। चलिए मैं लिखता हूँ सेलेक्टेड फूड दिख जाए, ठीक है, सेलेक्टेड फूड दिख जाए। और उसके बाद मैं टोटल अमाउंट दिखाता हूँ, ठीक है, फोर कर देता हूँ, और टोटल कॉस्ट, ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ, ठीक। अब इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसको एक बार इसमें डेटा को डिस्प्ले करने के लिए ट्रेव्यू तो मेरा दिखेगा वहाँ पे, ये एक चीज़ चेक कर लीजिए पहले, इसका मैंने क्या लिखा हुआ है। तो रो वन है, रो इसको फोर कर देता हूँ, फोर में आ जाओ, चलो थोड़ा नीचे आ जाएगा, रो फोर में आ जाए, और कॉलम ज़ीरो से थ्री तक है, ठीक है, ज़ीरो से थ्री नहीं, मैंने पास चार कहा है, तो ज़ीरो से मैं फोर कर देता हूँ इसको, ठीक। और इसी तरीके से जो स्क्रॉल बार है उसको भी मुझे सेट करना पड़ेगा, तो वो थ्री वो भी मेरा फोर में ही रहे, और कॉलम मेरा फाइव में आ जाओ, ठीक। बाकी चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, रन करके चेक करते हैं पहले। हम तुम बिल जनरेशन, देखिए प्रिंट बिल, देखिए ये मेरा ट्री व्यू आ गया। अब मुझे इसमें डेटा बस डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, थोड़ा इसको और मैं चाहूँगा तो नीचे करूँगा। अब देखिए मेरी स्टाइलिंग पूरी काम कर रही है इसमें, और जितने मैंने कॉलम लिखे थे उतने ही आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आप बैक आओगे तो वहाँ, अब यहाँ पे पहले डेटा को लेके आते हैं, उसके बाद हम आगे का काम करते हैं। और मैं इसमें बीच में एक लेबल की कुछ ज़रूरत होगी, तो पहले मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। नीचे करने के लिए का मतलब है कि मैं इसको रो फोर नहीं, रो फाइव कर देता हूँ फिलहाल, और इसको भी रो फाइव कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बीच में मुझे एक लेबल लेके आना है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, ट्री व्यू में डेटा को लाने के लिए मैं एक फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ जो डेटा को लेके आएगा। तो मुझे, मैं इसी के नीचे ट्री व्यू मैंने जहाँ लिखा है इसी के नीचे मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, वो मुझे बनाना पड़ेगा अभी, डिस्प्ले बिल, ठीक है, डिस्प्ले बिल नाम, डिस्प्ले बिल कॉल होगा जो क्या करेगा, ट्री व्यू में डेटा को लाने का काम करेगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ इसके अंदर डिस्प्ले बिल को कॉल करता हूँ, बनाता हूँ। तो बनाने के लिए मैं काम करता हूँ डेफ और डिस्प्ले बिल, ठीक है। और एक चीज, मैंने गेट आइटम इन ट्री व्यू करके एक मेथड बनाया था, तो मैं उसी को, उसी के कंटेंट को कॉपी करके यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर लूँगा, ठीक है। गेट आइटम इन ट्री व्यू, मैं देखते हूँ कहाँ पे मैंने लिखा है, ऊपर मैंने कहीं बनाया है, क्योंकि सेम काम होगा डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। ये मेरा गेट आइटम इन ट्री व्यू है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और डबल क्लिक की भी ज़रूरत होगी मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले सारे दोनों की ज़रूरत पड़ेगी मुझे अभी, चलिए पहले एक एक को करता हूँ, एक मिनट, कंट्रोल सी करता हूँ,
और डिस्प्ले बिल की कोडिंग में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और वहाँ मैं चेंज करता हूँ। देखिए यही फ़ायदा है कि अगर आप एक कुछ बना चुके हो तो दोबारा आप उसका हेल्प ले सकते हो और आपको दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रिंट बिल के अंदर डिस्प्ले बिल बनाए हैं, अब डिस्प्ले बिल की कोडिंग में मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, मैंने पेस्ट किया। चलिए आते हैं, देखते हैं क्या क्या करना है मुझे। सबसे पहले TV1 का गेट चिल्ड्रन करना है, मतलब आपको पता ही होगा कि इसके अंदर जो डेटा आता है उसको डिलीट करने के लिए भी काम है मेरा, कि पहले से जो डेटा इंसर्टेड है वो डिलीट हो जाए, फिर से नया इंसर्ट हो। बाकी कुछ सेलेक्ट टेस्टिंग फ्रॉम, मुझे बिल नाम के टेबल से डेटा लेके आना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बाकी क्वेरी चलेगी एज इट इज़ और TV1 में इंसर्ट करना है, ठीक है। अच्छा TV1 में इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा मुझे, जो टेक्स्ट है इंसर्ट करते समय मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या कि पहले क्या है, नेम ना आए, पहले देखिए पहले डेट लाना हो, जैसे आइटम नेम लिखा था तो पहले डेट और टाइम मेरे वेरिएबल का नाम, डेट टाइम याद करिए कि जो मैंने यहाँ पे बिल बनाया है इससे पहले डेट टाइम आना चाहिए, तो पहले यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, डेट टाइम, ठीक है। फिर यहाँ पे बाकी डेटा जो आना है वो आए, बाकी डेटा में क्या क्या आना है, तो कस्टमर नेम आए, CUSTOMER_name आए, ठीक है। कस्टमर नेम के बाद फिर जितनी चीज़ें मुझे लेके आनी है यहाँ पे वो मुझे सब लिखना होगा, कस्टमर नेम लाना है और कॉन्टैक्ट नंबर लाना है, देखिए मैं ट्री में बनाया है जो contact_number बनाया है, फिर मैं कॉपी करके इसको लिख देता हूँ Ctrl+C Ctrl+V। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद मुझे आइटम का नाम लेना है, तो item_name और फिर मुझे कॉस्ट लेके आना है, तो मैं फिर से एक कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कॉस्ट, ठीक है। इससे मेरा डेटा उसमें आ जाना चाहिए और मैं 1 बाइंड कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं डबल क्लिक 2 करके एक फंक्शन बनाऊँगा, फिलहाल अभी इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ और चेक करता हूँ यहाँ पे, देखूँ क्या हुआ, ट्री में डेटा आ गया कि नहीं। हम तुम बिल जनरेशन प्रिंट बिल, देखिए ट्री में हमारा डेटा आ गया जैसा मैंने लिखा था वो पूरा पूरा आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस ट्री व्यू पे डबल क्लिक करके इस बिल को मैं प्रिंट करने का कॉन्सेप्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं डबल क्लिक करना जानता हूँ कि मुझे डबल क्लिक करना है, लेकिन हमारा जो यूज़र है उसको नहीं पता होगा, तो मैं क्या करता हूँ एक लेबल यहाँ पे बना के वहीं पे लिख देता हूँ कि डबल क्लिक ऑन ट्री व्यू, ठीक है, टू गेट द डेटा। ये बस मुझे लिखना पड़ेगा उसको मैसेज देने के लिए ताकि यूज़र समझ जाए, ठीक है, और वो डेटा को लेके क्लिक करे ताकि डेटा उसके पास आ सके, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा बटन बना देता हूँ और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ चलता हूँ और बटन, अच्छा यहाँ पहले डबल क्लिक 2 कर देता हूँ ताकि डबल अभी और डबल क्लिक 2 में अभी मैं फंक्शन बना लूँगा, ठीक है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ये मैं अभी बनाऊँगा ऑन डबल क्लिक, कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C ताकि डबल क्लिक करने में डेटा आए, तो ये मैं अभी डिक्लेयर करूँगा फंक्शन, इसके बीच में मैं करूँगा इसको, देखिए मैं ऐसे ही कमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बीच में क्या कोडिंग है मेरी, ठीक है। और मैं यहाँ पे पास अभी लिख देता हूँ, ठीक, ताकि मेरा एरर ना रहे कोई। अच्छा मुझे एक लेबल बनाना है या एक बटन बनाना है, चलिए मैं बटन ही बना लेता हूँ, यहीं पे बैक बटन के बाद और ट्री व्यू के अंदर देखा जाए तो ये जो मेरा है लेबल, ठीक है, इस लेबल को मैं कॉपी कर Ctrl+Z करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ,
और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ क्लिक बटन, ठीक है, ऐसे जो भी नाम चाहो रख सकते हो आप। और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये मेरा रो 2 में चला जाए, सॉरी रो 2 में चला जाए। अच्छा, ये मेरा लेबल नहीं, अब की बार मैं इसको बटन बना देता हूँ, बटन बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मैसेज देता हूँ यूज़र को, क्लिक टू, नहीं क्लिक नहीं, डबल क्लिक, यू डबल क्लिक टू ट्री व्यू, टी आर ट्री व्यू टू प्रिंट बिल, ठीक है। इसका मतलब है कि डबल क्लिक करेगा तो उसको बिल प्रिंट करने का मैसेज मिलेगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमांड लिख देता हूँ, कमांड, ठीक है, कमांड में मैं लिख देता हूँ कि एक फंक्शन कॉल कर दूँगा जो मैं अभी बना दूँगा, ठीक है। फंक्शन का नाम लिख देता हूँ, या एक काम करता हूँ, ये मुझे फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ क्योंकि ये बस एक मैसेज है यूज़र के लिए, ठीक है। तो मैसेज है तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसे, बस यूज़र को मैसेज मिल जाएगा। वो लेबल भी हो सकता था मेरा, मैंने झूठ में बटन बनाया, कोई दिक्कत नहीं, बस इस बटन पर क्लिक करो तो कुछ होगा नहीं, आप चेक कर लो, आओ एक बार चेक कर लो, देखो क्या होता। अच्छा, डबल क्लिक वाला भी कॉन्सेप्ट मैं लिख लेता हूँ, तो डबल क्लिक के लिए मैंने ऊपर लिखा था, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, डबल क्लिक वाली कोडिंग भी, हाँ ये डबल क्लिक भी था। फिर मैं यहाँ पे इसमें इवेंट पास करना होगा, ये ध्यान रखना, कंट्रोल सी, और मैं इसको कॉपी करके अपने जो डबल क्लिक है जो मेरा अभी प्रेजेंट में है, यहाँ पे डबल क्लिक, इसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पहले इवेंट पास करिए, EVENT इवेंट पास करना होता है, ठीक है। और इवेंट पास करने के साथ साथ आपको यहाँ पे आइटम लेके आना है, तो कहाँ से लेके आना है, TV1 से लेके आना है, ठीक है। आपको ग्लोबल, मैं कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, एक वेरिएबल बना लेता हूँ ग्लोबल, GLOBAL ग्लोबल, आइटम नेम वेर 1 था ना, मैं इसी को रहने देता हूँ, कंट्रोल सी और वेर 1 कर देता हूँ, उसको 1 कर देता हूँ, इससे क्या होगा मेरा फ़ायदा रहेगा। और यहाँ भी 1 कर देता हूँ, और यहाँ ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, TV1 डॉट है, ठीक है। यहाँ टेक्स्ट वैल्यूज कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये डेटा कहीं सेट नहीं करना इस बार, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे ज़रूरत क्या होगी, मुझे ज़रूरत होगी कि इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। प्रिंट करने के लिए जाहिर सी बात है मुझे एक फंक्शन को फिर कॉल करना होगा, जो मेरा एक फाइल के रूप में डेटा को प्रिंट करने के लिए मुझे सेव करने का मौका दे। मतलब मैं जो भी मेरा बिल है, मैं इसको एक नोटपैड की फाइल में पहले एक बिल का स्वरूप दूंगा, उसके बाद उसको सेव करवाऊंगा, ठीक है, उसका उसको प्रिंट करवाने का। यानी मैं एक रिसिप्ट नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, रिसिप्ट, RECE, चलो यार इसको मैं दे देता हूँ RECPT, ऐसे लिखा रिसेप्ट, RECPT, स्पेलिंग कुछ भी रहे, इस फंक्शन को मुझे बनाना होगा। ये फंक्शन क्या करेगा कि जो डेटा जब मैं क्लिक करूँगा तो उसको एक फाइल में हमको प्रिंट करने का कॉन्सेप्ट देगा। चलिए पहले इसको मैं ऐसे पहले दिखा दूँ कि क्या हो रहा है, पहले मैं रन करता हूँ इसको, चेक करूँ, हम तुम बिल जनरेशन प्रिंट बिल, देखिए
ये डबल क्लिक थोड़ा इसको और बड़ा करना होगा क्योंकि टेक्स्ट पढ़ाओगे। अब मैं डबल क्लिक करूँगा तो मुझे फाइल में डेटा प्रिंट होने का ऑप्शन मिल जाए, बस ये मुझे करवाना है। और इसका थोड़ा सा लेंथ मैं बड़ा कर दूँ, ठीक है। चलिए ये लेंथ तो बड़ा हो जाएगा अभी, तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ रिसेप्ट का, RECEIPT रिसेप्ट कर लेता हूँ। याद रखिएगा यही नाम लिखना होगा, स्पेलिंग अगर जो भी रहे आपसे, कंट्रोल सी, और मैं यहीं पे इसको लगे हाथ कंट्रोल वी, ये मुझे डिफाइन करना है फंक्शन, ठीक है। तो मैं इसके अंदर ही कोडिंग करूँगा इसको, डेफ कंट्रोल वी और कोलन, और यहाँ अभी मुझे कोडिंग करनी है, ठीक। तो कोडिंग करने के लिए सबसे पहला तो काम है रिसेप्ट में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक फाइल में इस डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे पहले तो मैं सारा डेटा को पहले गेट करूँगा एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, और उसको फाइल में राइट करने की कोशिश करता हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक काम कर लीजिए, सबसे पहले आपको फाइल डायलॉग बॉक्स की ज़रूरत होगी, तो फाइल डायलॉग को पहले इम्पोर्ट कर लीजिए आप, सबसे ऊपर चल के मैसेज बॉक्स ससत फाइल डायलॉग को आप ले लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप आइए और रिसेप्ट पे चलते हैं, हाँ रिसेप्ट पे आके हमको क्या करना होगा, जो जो कुछ ग्लोबल मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ बिल स्ट्रिंग नाम का, ठीक है, ताकि जो भी बिल की वैल्यू की मैं स्ट्रिंग के फॉरन पहले उसको एक स्टोर करता हूँ, बिल स्ट्रिंग, ठीक है, STRING बिल स्ट्रिंग, और इसमें मैं नल डाल देता हूँ, मतलब कुछ पड़ा नहीं है। अब मैं जो जो वैल्यू डेटाबेस से फेच करूँगा उसको इसमें कॉन्कैटनेट करता चला जाऊँगा, यानी आगे मैं जो काम करूँगा मैं बिल स्ट्रिंग प्लस और कुछ करूँगा क्या, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ऊपर बिल के ऊपर जैसे लिखा रहे कि ये बिल किस होटल का है, तो इस तरीके से मैं इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। तो मैं डबल कॉमा ऐसे करके और इसके अंदर जैसे एक पाइप जैसा डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ कि माई होटल बिल, माई होटल बिल नाम से ऐसे ऊपर रिसेप्ट लिखा रहेगा, ये आप अपने हिसाब से जो चाहो चेंज कर सकते हो। चलो ठीक, इसके बाद क्या रहे, हम न्यू लाइन में देखिए, चूंकि फाइल में को कॉन्कैटनेट करना है तो सारी चीज़ें एक ही साथ कॉन्कैटनेट होंगी। एक स्ट्रिंग बनाऊंगा पहले मैं, स्लैश एन कर देता हूँ, ठीक है, स्लैश एन दो लाइन छोड़ देता हूँ, स्लैश एन स्लैश एन, ठीक है, और एक काम करता हूँ, स्लैश एन करने के बाद मैं नीचे चल के इसमें ऊपर कस्टमर का डिटेल लिख देता हूँ, ठीक है, आगे तो फिर से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, और मैं पहले इतने में प्रिंट करके चेक करूँगा कि क्या हो रहा है, TOMER कस्टमर, अभी सही कर लेता हूँ स्पेलिंग, कस्टमर डिटेल, ठीक है, और ये डेटा मुझे फेच करके लाना होगा इसमें कस्टमर का जो भी डिटेल होगा, ठीक है। तो कस्टमर का डिटेल जो मैं फेच करके लाऊंगा तो वो मुझे एक डीबी कॉन्फिग से लेके आऊंगा, तो मैं एक काम करता हूँ डीबी कॉन्फिग को कॉल कर लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। एक काम चलिए लिख लेते हैं इसको, मैं ये पे डायरेक्ट लिख भी लेता हूँ इस बार, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ इसको पहले, सॉरी कंट्रोल जेड करता हूँ, डीबी कॉन्फिग को कॉल कर लेता हूँ पहले, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं चेक कर लूँगा उसके बाद। उसके बाद मैं क्वेरी रन कराता हूँ, QUERY, ठीक, क्वेरी रन कराता हूँ, स्पेलिंग Q
QUER फाइल क्वेरी रन कराता हूँ। क्वेरी में मुझे डेटा जिस टेबल से लेके आना है तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बिल, बिल से लेके आना डेटा, ठीक है। लेकिन अब उस बिल वाले टेबल में एक चीज़ देखिएगा, हमारा डेट टाइम मैं मान लेता हूँ फिक्स है, तो मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं उसका डेट टाइम ले लेता हूँ, वेयर डेट टाइम, मेरा कॉलम मैं मान लेता हूँ यूनिक है क्योंकि एक समय में दो लोग का डेट टाइम सेम नहीं होगा। डेट टाइम इज इक्वल टू, क्वेरी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और सिंगल कॉम में डाल दीजिए ताकि इसकी वैल्यू सिंगल वेयर का रहे, सिंगल कॉम में रहे। अच्छा, डॉट फॉर्मेट वाला काम कर लेंगे, फॉर्मेट का मतलब, ठीक है, फॉर्मेट नाम का मेथड होता है, डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट में मैं उसकी जो वैल्यू मेरा आइटम नेम वेयर वन के अंदर आ रही थी, तो आइटम जब भी मैंने वेरिएबल बनाया था ट्रीव्यू के लिए, आइटम नेम वेयर वन वन, ठीक है, ये कुछ मिस्टेक आ रहा है तो मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने नाम यही रखा था आइटम नेम, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, क्योंकि ये मेरा की के फॉर्म में डेटा आ रहा है इसलिए की ये हमारा है। अब हाँ, अब देखिए ये कोई दिक्कत नहीं, अब ठीक, इसको मैं एग्जीक्यूट करा लेता हूँ। एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे लिखना होगा माई कर्सर, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। ये एग्जीक्यूट किसको करना है, तो QUERY क्वेरी को करना है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, डेटा को फेच करके लेके आएगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ डेटा इज इक्वल टू माई कर्सर, माई कर्सर डॉट फेच ऑल, ठीक है, सारा डेटा लेके आऊँ। लाने के बाद मैं डेटा को जरा प्रिंट करवाता हूँ, यानी डेटा को मैं प्रिंट के अंदर डाल देता हूँ, देखूँ क्या आ रहा है इसमें, ठीक है। ये प्रिंट डेटा लेके जो आएगा उसके हिसाब से मुझे कॉन्सेप्ट आगे लगाना है, ठीक। मैं चलता हूँ इतने पे, देखूँ कि मेरा जो डेटा है वो आ रहा है कि नहीं, फिर जब डेटा मिल जाएगा तो मैं आगे का काम होगा कि ये जो बिल स्ट्रिंग में सारे डेटा को कॉन्कैटेनेट करके एक फाइल के अंदर स्टोर करने का काम कर दूंगा। तो चलिए एक बार रन करके चेक करते हैं, कंसोल पे वैल्यू मुझे मिलेगी। हम तुम बिल जनरेशन प्रिंट बिल, ठीक है। मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखिए डबल क्लिक करने पे मेरा डेटा कंसोल पे मिलना चाहिए था कुछ, चल के चेक करते हैं क्या डेटा मिला। अननोन कॉलम डेट टाइम वेयर क्लास, सॉरी डेट की स्पेलिंग DATE है, मैं डाटा लिख दिया हूँ, ठीक है, डेट टाइम। फिर रन करता हूँ, देखिए दोबारा रन करना पड़ता है, ये ध्यान रखना है आपको। हम तुम बिल जनरेशन प्रिंट बिल, डबल क्लिक करता हूँ, अब की बार कंसोल पर डेटा देखिए मुझे मिल रहा है, जितने मैंने दो बार क्लिक कर दिया था इसलिए मुझे दो बार डेटा मिल रहा है। अब ये जो डेटा मिला है इस डेटा को मुझे बिल स्ट्रिंग के अंदर कॉन्कैटेनेट करके और उसको स्टोर पहले करना है फाइल के अंदर, तो चलिए स्टोर करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको डेटा को एक एक को निकालना पड़ेगा, जैसे ये टू क्या है, ये डेट टाइम है, नेम है, ये सारे डेटा को मुझे एक एक करके निकालने के लिए मुझे इसको एक लूप के अंदर डालना करना पड़ेगा, किसको, इस डेटा की वैल्यू को। फिलहाल मैं इस डेटा को एक लूप के अंदर डाल के, यानी फॉर मैं लिख देता हूँ रो इन डेटा, ठीक। इसके अंदर मैं चल के मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ बिल स्ट्रिंग प्लस इज इक्वल टू, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सारी कोरी डॉलर कॉमा के अंदर लिखनी है,
और ये देखिए मैं थोड़ा सा एक काम कर रहा हूँ, ये देखिए ये क्या है, ये मैं फॉर्मेट करने का कॉन्सेप्ट है। फॉर्मेट मेथड में क्या होता है कि आप जितनी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो उसके अंदर, वो आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर पास कर दो, ठीक है। और डेटा को मैं लेफ्ट अलाइन भी करना चाहता हूँ, तो ये लेस देन और कोलन ऐसे लिखते हैं, इससे ये फ़ायदा रहता है। फिर इसके अंदर तीन वैल्यू मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, अभी मैं बताता हूँ क्या, ये मेरे दिमाग में आइडिया है, अभी आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज़, ठीक है। और इसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहले कुछ कुछ नहीं प्रिंट करना है, उसके बाद मुझे तीन चीज़ मैं बना रहा हूँ इसके अंदर, तो मैं अभी तीन चीज़ जो बना रहा हूँ वो बताता हूँ। फॉर्मेट, पहले आप डेट टाइम प्रिंट कर दो, ठीक है, ये दो क्यों हो गया, फॉर्मेट इसमें आप लिख दो, आप डेट ऑब्लिक टाइम लिखा रहे, ठीक है। फिर आप यानी पहले में ये कर देना, फिर आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, ठीक है, स्पेस के लिए ऐसे कर दो, ठीक है। फिर क्या करना, आप डेट की वैल्यू प्रिंट करनी है, डेट टाइम की, तो रो वन लिख रहा हूँ। ये रो वन क्या है ये मैं पहले बताता हूँ आपको, जब आप अपना टेबल देखते हो तो ये रो ज़ीरो है, आईडी रो ज़ीरो है, ये डेट टाइम को रो वन कहते हैं। इसको आप ये भी नाम दे सकते थे, लेकिन मैं डायरेक्टली रो ज़ीरो, रो वन, रो टू ऐसे भी कर सकता हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ इस बार, ठीक है। तो रो वन लिख दो आप, ठीक, रो वन का मतलब डेट टाइम की वैल्यू प्रिंट कर, इसमें कॉन्कैटेनेट कर जाएगी। साथ साथ मैं फिर इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, सेम चीज़ मैं दोबारा एक बार और प्रिंट कर देता हूँ, और इस बार मैं इसके अंदर डेट टाइम नहीं, इसके अंदर कस्टमर नेम लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। सब कुछ यही रहे, इसी के नीचे कस्टमर नेम रहे, ठीक है। तो ये कस्टमर नेम हमारा रो टू में है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाए, ठीक है। तो मैं एक बार और पेस्ट कर देता हूँ इसको, कंट्रोल वी। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, कस्टमर नेम के बाद कॉन्टैक्ट नंबर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बिल स्ट्रिंग है उसमें सारा कुछ प्लस होता चला जा रहा है, कॉन्कटेंट हो रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं एक भी बार में इसको फाइल में राइट कर सकता हूँ। अच्छा, ये सब करने के बाद स्लैश एन भी लगाना पड़ेगा ताकि न्यू लाइन में हमारा कर्सर चला जाए, यानी सब कुछ फाइल के अंदर अलग अलग लाइन में आए हमारा, यानी स्लैश एन, ठीक है, स्लैश एन, यानी ये काम करने के बाद हमारा ऐसे हो जाए। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इतना डिटेल के बाद हमारा बिल स्ट्रिंग फिर से लिखाए, कंट्रोल वी, लेकिन इस बार इसके अंदर हम चाहते हैं कि फिर पाइप जैसा बन जाए, और यानी स्लैश एन हो पहले, ठीक, फिर क्या हो, पाइप जैसा बने, यानी मैं इक्वल टू का साइन बना दे रहा हूँ, और जो भी आइटम का डिटेल है वो देखिए, आइटम डिटेल, ठीक है, और फिर पाइप जैसा बन जाए, उसके बाद स्लैश एन लगा के मैं इसको क्लोज कर दूँ, ठीक है। देखिए ये मेरा बिल स्ट्रिंग बनता चला जा रहा है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले इतने के बाद मैं इस बिल स्ट्रिंग को फाइल के अंदर स्टोर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि क्या हो रहा है। उसके बाद मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करूँगा, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, और इसी के अंदर मैं फॉर लूप से बाहर निकलूँ इसको, ठीक है, फॉर लूप से बाहर मुझे लिखना पड़ेगा ये चीज़। हाँ, फॉर लूप के अंदर बिल स्ट्रिंग में कॉन्कैटेनेशन हो रहा है, मैं एक बिल, मान लीजिए फाइल, बिल फाइल नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पे एक फाइल डायलॉग बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ, तो आपको पता है ऐसे लिखते हैं फाइल डायलॉग, ठीक है, और सेव करना है तो आस्क सेव एज, ठीक है, सेव एज। अच्छा, अब आप इसको उसमें मोड लिखना होगा, तो मोड मैं लिख देता हूँ क्या, MOD, मोड इज इक्वल टू W का मतलब राइट मोड है, ठीक है, राइट मोड। और डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो रहेगा वो क्या रहे, डिफ़ॉल्ट FAULT डिफ़ॉल्ट EXTENSION, डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो रहे वो star.txt रहे, मतलब .txt रहे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ये रहे। साथ साथ
अगर कोई फाइल में एक नाम पूछेगा फाइल डायलॉग बॉक्स, अगर कोई फाइल नहीं देता है यानी इफ बिल फाइल क्या इज नन, नन का मतलब है कि कोई फाइल नेम आप नहीं देते हो, तो क्या करें आपको एक मैसेज बॉक्स में मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, शो एरर क्या करें, शो एरर कर दे आपको कि इनवैलिड फाइल नेम, फाइल नेम एरर में लिख देता हूँ, ठीक है, सॉरी फाइल नेम एरर, ठीक है, और ये तो हेडिंग हो गया, और इसके अंदर लिखना इनवैलिड फाइल नेम, ठीक। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब किसी ने नाम दिया है, तो यानी इस इफ का एल्स चलना है, तो मैं क्या लिखता हूँ एल्स। अभी कुछ और चीज़ें मैं कॉन्कैटिनेट करूँगा उसमें, पहले इतने पे प्रिंट करके चेक करते हैं। तो बिल फाइल डॉट राइट मेथड को कॉल करूँगा, और किसकी वैल्यू, तो जो बिल स्ट्रिंग है हमारा वेरिएबल, उसकी वैल्यू इसके अंदर क्या हो जाए, राइट हो जाए, ठीक है। और राइट होके मैं बिल फाइल को क्लोज कर देता हूँ, बिल फाइल डॉट क्लोज, ये मेरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। चलिए रन करके चेक करते हैं, देखें कि क्या होता है। अभी देखिए ये हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप पे आ चुके हैं। अब हम तुम बिल जनरेशन प्रिंट बिल डबल क्लिक करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम हुआ लग रहा है, खुलना चाहिए, देखिए गुड खुल रहा है मेरा। ये मुझे एक प्रॉम्प्ट कर रहा है कि आप ये कहाँ सेव करना चाहते हो, तो मैं अपने कंप्यूटर में जहाँ चाहे वहाँ सेव कर सकता हूँ उसको। सपोज़ मेरे कंप्यूटर पे एक ए नाम का, मेरे डेस्कटॉप पे एक कैल्सी नाम का फोल्डर है, मैं इसी के अंदर सेव करना चाहता हूँ, तो मैं कैल्सी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं चलता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं एक फाइल का नाम देता हूँ कि ये मिस्टर राम का बिल है, तो मैं राम डॉट टी एक्स टी लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं राम ही दे सकता हूँ केवल, क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक्सेशन इसका मैंने दे रखा है। मैं सेव करता हूँ, देखिए सेव करता हूँ, अब मैं चल के देखता हूँ कि क्या हुआ उसके अंदर। फिलहाल मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ अपने, और डेस्कटॉप पे चलता हूँ और कैल्सी नाम के फोल्डर के अंदर चलता हूँ, सी, ये देखिए मैं कैल्सी नाम का फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर राम नाम का एक फाइल मैंने बनाया है, इसको मैं ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि क्या है। देखिए आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि जो मैंने जैसे लिखा था वैसे ही मेरा लिख के आ गया, डेट टाइम लिखा था तो डेट टाइम की वैल्यू थोड़ी बड़ी होने की वजह से यहाँ पे लिख के आ गई। चलिए ये प्रॉब्लम भी हम रिजॉल्व कर लेंगे, कस्टमर नेम सही आया है और कॉन्टैक्ट नंबर ही मेरा सही जगह पर आया है, ठीक। डेट टाइम को थोड़ा सा इधर लेके आना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। इसके बाद आइटम का डिटेल भी मैं यहाँ लेके आता हूँ, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई, इस तरीके से मैं इसको पूरा कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आते हैं और अपनी फाइल के अंदर, और जहाँ पे मेरा ये लिखा था मैंने यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। और इसमें और भी चीज़ें जो कॉन्कैटिनेट करनी है इसको हम पूरा कर देते हैं, ये भी मैं 10 से ऐसे करता हूँ तो मेरा हो जाएगा ये पूरा, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा, लेफ्ट अलाइन करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, अब सही हो जाएगा। आइटम डिटेल मैंने लिखा था वहाँ पे DETAIL ले लिख लीजिए यहाँ पे, इसके साथ साथ यहाँ पे चलिए और बिल स्ट्रिंग में और कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे आते हैं, बिल स्ट्रिंग, ठीक है, प्लस डबल इनवर्टेड कॉमा में, सॉरी इक्वल टू और डबल कॉमा में, ठीक है, जो भी वैल्यू देनी है चूँकि स्ट्रिंग है तो मुझे ऐसे लिखना होगा। और इसके अंदर मुझे आइटम का डिटेल देना है, यानी आइटम का नाम, ठीक, और उसका रेट और उसकी क्वांटिटी, ठीक है, ये मुझे देना है। तो उस केस में मैं लिखूँगा कि यानी मुझे आइटम नेम, रेट, क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट, चार चीज़ चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं ये जो चीज़ लिखा था पहले इसको फिर कोलन
ये लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए है, ये इसको ऐसे लिखते हैं, इसलिए आप आपको अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। कोलन 10, फिर कोलन 10, फिर कोलन 10, ठीक है। अब इसमें जो जो चीज़ें चाहिए, मैंने चार चीज़ लिखा था, इसलिए मैं चार बार लिखा से, फिर डॉट फॉर्मेट, पहले मुझे क्या लेके आना है, आइटम का नाम, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आइटम नेम, फिर मुझे लेके आना है रेट, फिर मुझे लेके आना है क्वांटिटी, तो डबल कॉम है QUANTITY क्वांटिटी, फिर मुझे लेके आना है उसकी टोटल कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद मुझे इनकी वैल्यूज़ चाहिए, ये मैं ऊपर नीचे लिखा था, अब इनकी वैल्यूज़ भी चाहिए, तो मैं इसको एज इट इज़ जो ऊपर लिखा था, तो उसमें मैंने 10 दिया था, यहाँ थोड़ा सा 15 कर लीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि नेम में क्वांटिटी और इसमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। बिल स्ट्रिंग प्लस इज इक्वल टू और डबल कॉम है, अब ये न्यू लाइन से वैल्यू आएगी, क्योंकि ये न्यू लाइन से उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। अब वैल्यू प्रिंट करने के लिए फिर चार चीज़ें चाहिए जे, तो कोलन और लेस देन 10, ठीक, फिर कोलन लेस देन 10, फिर कोलन लेस देन, मैं थोड़ा सा खिसका के लिख दे रहा हूँ उसको 25, ठीक है। ये मुझे, मैंने एक बार किया था तो मुझे थोड़ा बहुत याद है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, अगर आपको कुछ गड़बड़ लगेगा तो। इसको मैं 25 के अंदर, लेस देन ना करता हूँ, इसको 25 में अरेंज कर देना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन ही होता है, नहीं कर दो लेफ्ट अलाइन ही कर दो आप, इसको भी लेस देन 25 कर दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डॉट फॉर्मेट, अच्छा पहला आइटम नेम है, तो ये है हमारा रो 4 की वैल्यू, कॉमा रो 5 की वैल्यू, रो 4 कॉमा रो 5, कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी और दोबारा यहीं पे पेस्ट करता हूँ, रो 6 एंड रो 7, ठीक। ये सारा चीज़ प्रिंट होने के बाद मैं फिर से एक पाइप जैसा डाल देता हूँ ताकि सेपरेट हो जाए, ठीक है। तो फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ कोई एरर नहीं है, मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, टर्मिनेट करता हूँ इसको, और यहाँ लिखता हूँ फिर से बिल स्ट्रिंग प्लस इज इक्वल टू, और पाइप जैसा डाल के, एक पाइप जैसा रहेगा इसमें, देखिए ये आप अपने हिसाब से सेट कर लेना जहाँ आपको जैसे जरूरत लगे, और एक स्लैश एंड फिर से डाल दो, ठीक है। ये यानी नाम, कस्टमर का नाम, जितने आइटम उसने खाए हैं वो है। अब एक लास्ट लाइन में इस पाइप के बाद मैं इसलिए ऐसा किया ताकि इसके बाद मैं लिख सकूँ कि प्रिंट डिटेल टोटल कॉस्ट जो है आपकी, आपने कितने का खाना खाया वो प्रिंट होगा इसके बाद, ठीक है। तो मैं बिल स्ट्रिंग प्लस इज इक्वल टू डबल कॉम में और इसको कंप्लीट कर देता हूं मैं। इसके बाद अब आपका प्रोजेक्ट लगभग में कंप्लीट होने को है। देखिए ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा लंबा था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को आप चाहो तो कहीं यूज़ भी कर सकते हो, अगर आपकी कोई छोटे मोटे शॉप है तो, बस आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेना अपने हिसाब से अगर आपको जैसा लगता हो। स्लैश एन, ठीक है, और
टोटल कॉस्ट लेके आना है, तो मैं पहले टोटल कॉस्ट प्रिंट करवा दूँ, यानी फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट लिखते हैं, कॉमा नहीं लगाते हैं, देखिए गलत लगा दिया, डॉट फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट, और इसके अंदर लिखना है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और मैंने कुछ स्पेसेस छोड़े हैं ताकि वो बराबर दिखे, बस और कुछ नहीं। इसके बीच में एक स्पेस रहे, चार मैंने दिया ना, फिर एक स्पेस इसके बीच में रहे, फिर जो रो सेवन की वैल्यू है जिसमें कॉस्ट स्टोर है वो आए, रो सेवन, सेवन ही ना, रो एट होगा मेरा, ठीक है, क्योंकि सेवन पे तो मैंने प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे वन, ठीक। इसके बाद एक मैं मैसेज और इसमें ऐड कर देता हूँ कि प्लीज़ विजिट अगेन, ठीक है, विजिट अगेन का मैसेज रहेगा तो थोड़ा सा सुंदर दिखेगा वो। और मैं एक बार और बिल स्ट्रिंग लिखता हूँ, बिल स्ट्रिंग प्लस इज इक्वल टू डबल नोट कॉम है और स्लैश एन लिखता हूँ और एक और स्लैश एन देता हूँ ताकि थोड़ा नीचे से छोड़ के आए, ठीक। और पाइप बना देता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ थैंक्स प्लीज विजिट अगेन, ठीक है, विजिट का वी मैं कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी थोड़ा आप ऐसे कर दो और स्लैश एन कर दो। अब अगर आपको कुछ डिज़ाइन में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम लगता है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सेफ इसको बना लेना, ठीक। एक चीज़ और, मैंने जो ऊपर बटन मेरा बनाया था डबल क्लिक वाला, उसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ क्योंकि वो थोड़ा छोटे में आ रहा है, क्लिक बटन, ठीक है। यहाँ पे कॉलम स्पैन टू का था, मैं इसको कॉलम स्पैन तीन का कर देता हूँ, ठीक है, अब ये सही हो जाएगा, रन करिए। हम तुम लॉग इन, देखिए प्रिंट बिल पे मेन काम है मेरा, मैं अभी यही बना रहा हूँ, देखिए मेरा यहाँ पे बन गया, थोड़ा सा इधर खिसक गया, इसको आप सही कर लेना, ठीक है। डबल क्लिक करता हूँ, ये दोबारा मुझे सेव करने का ऑप्शन पूछेगा और मैं इसको सेव कर लूँगा, मैं डबल क्लिक कर दिया, थोड़ा स्लो काम कर रहा है ये मेरा सिस्टम, देख लेता हूँ कोई प्रॉब्लम है, लग रहा कहीं कुछ एरर है मेरा, रो 4 5 6 7 यहाँ पे प्रॉब्लम है, कुछ देख लेता हूँ कहाँ पे, यानी कहीं मैंने कुछ गड़बड़ लग दिया है, चलते हैं यहाँ एक रो 5 6 7 में कुछ मिस्टेक है, इतना टाइम तो नहीं लगता था इसीलिए लग रहा है, टर्मिनेट करता हूँ, रो 5 6 7 मैंने जहाँ लिखा है वहीं पे प्रॉब्लम है बिल स्ट्रिंग में, फोर 5 6 7 ठीक, फॉर्मेट लिखा मैंने ओह, ये मैंने कोलन के बाद लगाना था, ये यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है, और सब सही है। चलिए रन होटल, हम तुम बिल जनरेशन प्रिंट बिल डॉट कॉमा खुल जाना चाहिए था अभी तक, फिर भी एरर है एक, और भी मैंने कहीं गलत कर दिया है इसको, टोटल कॉस्ट में कुछ मिस्टेक है, और टपल आउट ऑफ इंडेक्स रो 8, एक मिनट, रो 8 का मतलब है नहीं, टोटल कॉस्ट की वैल्यू भी मेरी रो 7 में ही है, सॉरी मैं 8 लिख दिया था, ठीक है, इसीलिए मुझे मैसेज दिया, दोबारा रन कराइए, कोई एरर नहीं आएगा, अगली बार सही रन करेगा।
तुम बिल जनरेशन, प्रिंट बिल, देखिए सेव करने का ऑप्शन मिल गया, कैल्सी के अंदर ही मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस बार होटल बिल के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ, सेव करता हूँ और इसको चलता हूँ, देखता हूँ कि कहाँ सेव हुआ है जो मेरा, देखिए यहाँ होटल बिल के नाम से मेरा सेव हुआ। और आप देखिए तो ये आपको एक पूरा एक बिल है जो आप अपने हिसाब से थोड़ा और भी सुंदर बना सकते हो। जो राइस लिया था उसने रेट, उसकी क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट और खिसक गया, आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना, टोटल कॉस्ट फिर से आ गया है। और आप चाहो तो यहीं से इसको प्रिंट करके और उसको कस्टमर को ये बिल दे सकते हो प्रिंटर से। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने शुरू में आइटम को इंसर्ट करना, उसको फिर उस आइटम को अपडेट करना, डिलीट करना, फिर हमने बिल जनरेट करना, बिल को प्रिंट करना, ये बहुत कुछ सीखा इस प्रोजेक्ट में। तो ये हमारा एक विंडोज़ बेस्ड प्रोजेक्ट था। तो अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।